हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये हमने एक खाली बाउल ले लिया है, इसमें हम 100 ग्राम इमली डालेंगे और इसमें एक गिलास गर्म पानी डालेंगे और 2 घंटे के लिए इसको ढककर रख देंगे। इमली को हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। इमली को हमने हाथ से मसल कर इसके बीज अलग कर लिए हैं और इसको छान लिया है। इसमें टोटल 2 गिलास पानी लगा है। आइए चलिए तो बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। कढ़ाई को हमने मीडियम फ्लेम पर रख लिया है। अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। ये हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे और चलाते रहेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हमने 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच काला नमक है और 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक है, 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला है। इन सब को हम अच्छे से मिलाएंगे और चलाते रहेंगे। इसको हम गाढ़ी होने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। आप इसको बीच में चक्कर देख सकते हैं। अगर आपको इसमें मीठा कम लगे तो आप इसमें और मीठा डाल सकते हैं। इसमें हमने गुड़ डाला है, अगर आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। हमारी चटनी गाढ़ी हो गई है, इसको बनने में 20 मिनट लगे हैं। हम इसको इतना ही गाढ़ा रखेंगे क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। आप इसको दही बड़े के साथ, समोसे के साथ या गोलगप्पे के साथ, किसी भी चाट के साथ आप खा सकते हैं। इसको आप फ्रीज में रख के 2 महीने तक खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मगज डाल सकते हैं, खरबूजे के बीज, और इसमें केला भी डाल सकते हैं और अंगूर भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।